मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जो कंसर्न्ड है विद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ द मेल गिमेट, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेल गिमेट दैट मीन स्पर्म की फॉर्मेशन, और उस स्पर्म को फिर इंजेक्ट करना इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारा कुछ काम किसका है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बना है ग्लैंड से, और इसमें डक्ट्स होते हैं, और क्या होता है इसमें? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स तो ये तीन चीजें एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब ग्लैंड्स में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन तीन चीजों का बना है। तो ग्लैंड्स में कौन आते हैं? तो ग्लैंड्स में आते हैं टेस्टीज, पेयर ऑफ सिमाइनल वेसिकल्स, ये भी एक ग्लैंड है, टेस्टीज भी एक ग्लैंड है, पेयर ऑफ सिमाइनल वेसिकल्स, वेसिकल्स और पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, वो भी पेयर्ड होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड जिसको बुल्बो यूरेथरल ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। और एक सिंगल ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चार जो है, एक तो टेस्टिस, दूसरा पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल, पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चार चीजें किसमें आती है? ये ग्लैंड्स में आती है। उसके बाद डक्ट्स, तो डक्ट्स में एक पहला डक्ट जो है वो अब मैं बनाऊं पहले, नहीं पहले मैं बताता हूं फिर मैं बनाता हूं। एपिडिडमस, एपिडिडमस है, लेकिन ये एपिडिडमस भी पियर्ड होता है क्योंकि एक टेस्टिस से, हाँ एक टेस्टिस के ऊपर होता है एपिडिडमस। तो दो टेस्टिस में हो गए दो एपिडिडमस, वो दो डक्ट्स होते हैं, ये पियर्ड होते हैं, पियर ऑफ एपिडिडमस। उसके बाद पेयर ऑफ वासा डेफरेंशिया, वासा डेफरेंशिया,
वासा, डिफरेंशिया, वो भी पेयर होते हैं, क्योंकि एक टेस्टिस से एक वासा डिफरेंशिया निकलेगा और दो टेस्टिस से दो निकलेंगे। इसी तरह है तीसरा, पेयर ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, और फिर है कॉमन कैनाल, दैट इज यूरिनो जेनाइटल कैनाल, यूरिनो जेनाइटल कैनाल। ठीक है, तो ये यूरिनोजेनाइटल कैनाल, ये कॉम्बिनेशन होती है जेकुलेटरी डक्ट और यूरेथरा की कैनाल। तो ये हो गए डक्ट्स। अब है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। सब देखो, अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स दो किस्म के होते हैं, एक तो इंटरनल अब इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है, तो इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कौन आएगा? इसमें आएगा पेयर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड, पेयर ऑफ सुपरमैटेड कॉर्ड। सुपर मैटेड कॉर्ड, ये एक टेस्टिस को उसकी पोजीशन बनाने में, एक पोजिशन उसकी वो उसमें हेल्प करता है, उसको एक मखसूस पोजिशन में रखने के लिए। तो उसके लिए पेयर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड्स, ये स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, ये नीचे होता है टेस्टिस के नीचे वाले हिस्से में होता है। तो ये तो इंटरनल था, जिसमें इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है पेयर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड, और उसके बाद है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में यहाँ दिखाऊंगा, एक्स टर्नल। तो एक्सटर्नल में कौन आएंगे? एक्सटर्नल में स्क्रोटम और पेंस आएगा। तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में स्क्रोटम आएगा और पेंस आएगा। तो ये तो है मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीजों का बना है? पेयर ऑफ एपिडिडमस यहां पर है, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल कैनाल। फिर यहां पर है इंटरनल, इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें स्पर्मेटिड कॉर्ड आते हैं, और एक्सटर्नल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें सक्रोटम और पेंस आता है। ठीक, तो ये तो था यहां तक, ये तो ओवरव्यू था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब दूसरे वाले लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स ले लेंगे, राइट फ्रॉम द ग्लैंड्स में टेस्टीज। हाँ, तो कंप्लीट ये हो जाएगा अप टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो एक वेल डिफाइंड डायग्राम भी हम बनाएंगे दूसरे लेक्चर में।